नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रैक टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ब्रैक टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ब्रैक टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ब्रैक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ब्रैक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ब्रैक टैबलेट के अंदर दो एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। ब्रैक टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन और निडाजोल 500 mg और ओफ्लोक्सासिन 200 mg होता है। ब्रैक टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। ब्रैक टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेट में इन्फेक्शन होने पर और डायरिया यानी दस्त होने पर किया जाता है। ब्रैक टैबलेट पेट के इन्फेक्शन को खत्म करके डायरिया की समस्या को ठीक करती है। इसके अलावा डॉक्टर त्वचा पर कोई घाव या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर, फेफड़ों में इन्फेक्शन होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक या गले में इन्फेक्शन होने पर भी आपका डॉक्टर ब्रैक टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर ब्रैक टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रैक टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ब्रैक टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ब्रैक टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, भूख कम लगना, बदहजमी और सिरदर्द हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रैक टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ब्रैक टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ब्रैक टैबलेट को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन ब्रैक टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ब्रैक टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। आपको ब्रैक टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने ब्रैक टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि ब्रैक टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रैक टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ब्रैक टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में ब्रैक टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ब्रैक टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ब्रैक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ब्रैक टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।